नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सूरज टीवी और मैं हूं तान्या। और मैं हूं शगुन। लेके आए हैं बिग बॉस से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट। आज की बड़ी अपडेट ये है कि पिछले एपिसोड्स में आपको पता है कि क्या चल रहा है अरमान, पायल और कृतिका को लेकर जो टिप्पणी घर में हुई थी, तो पायल ने घर में आकर वीकेंड के वार में ये चीज़ें बताई कि विशाल ने ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ कृतिका मलिक को लेकर की हैं। उन्होंने बोला है कि वो उसको लाइक करते हैं। तो अब क्या हुआ है कि उसके बाद जब अरमान मलिक ने विशाल पांडे पर हाथ उठाया था, तो अब विशाल पांडे के पेरेंट्स जो हैं वो घर में पहुंचे हैं और अब उन्होंने विशाल पांडे पर क्लैरिफिकेशन दी है। विशाल के पेरेंट्स ने घर आते बोला कि हमें पूरा प्राउड है अपने बेटे पर, और उसने उस पे से नहीं बोला था। इस बात की क्लैरिटी भी विशाल ने लवकेश को तब दी थी, लेकिन इसको पोर्ट्रे गलत किया गया। पायल ने आके गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसके कारण अरमान को गुस्सा चढ़ा और अरमान ने विशाल पे हाथ उठाया, जिसके बाद कृतिका और अरमान ने उनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अपना बोलकर चले गए। कृतिका और अरमान ने जब उसके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बिल्कुल साफ ही मना कर दिया कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है। और जो उस टीम में जो चार मेंबर्स हैं जिनका एक अलग ग्रुप बना हुआ है, विशाल, कटारिया, सना मकबूल और शिवानी का, तो उन तीनों दोस्तों को धन्यवाद किया, थैंक यू बोला उसके पेरेंट्स ने कि जब उसको वाकई ज़रूरत थी तो वो उसके साथ में खड़े हुए थे। और नेजी का भी थैंक यू बोला कि जब जब विशाल को ज़रूरत रही तो नेजी उनके साथ वहाँ मौजूद थे। इसके बाद अरमान जब वो चले जाते हैं, अरमान बोलते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जैसे बताया गया हमने उस बात पर रिएक्ट किया। पायल अंदर आके झूठ नहीं बोलेगी, पायल हमारी फैमिली मेंबर है, पायल क्यों हमें आके झूठ बोलेगी। और साथ ही अरमान का कहना था कि कटारिया ने भी उस टाइम ये बात मानी कि विशाल का जो बोलने का तरीका था वो गलत था, जिसके बाद ही एक्शन लिया गया। जबकि कटारिया का ये कहना बनता था कि शायद ये नहीं हो सकता या जो भी है या मजाक था, लेकिन कटारिया ने साफ साफ माना कि मुझे जो विशाल ने बोला वो गलत तरीके से बोला, जिसके बाद अरमान ने हाथ उठाया। अरमान का ये भी कहना था कि उसके माँ बाप अगर आए हैं इस शो पर तो इतने बड़े स्टेज पर वो अपने बेटे को गलत नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ उसको हौसला देने के लिए सिर्फ ये बोलकर चले गए कि विशाल की गलती नहीं है, पर बाहर जाकर जब एपिसोड्स देखेंगे फिर फैसला होगा। और इसी के बीच कृतिका मलिक ने ये भी कहा कि मैं बिग बॉस से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब ये वाकया हुआ था, जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो वो बिग बॉस से रिक्वेस्ट करेंगी कि वो वाले क्लिप प्ले की जाए। और इसके साथ ये भी सुनने को मिला कि अगर कटारिया उस वक्त मना कर देता कि विशाल का बोलने का तरीका कुछ और था या तब ये इंसिडेंट नहीं होता, तब विशाल पर हाथ नहीं उठता, लेकिन कटारिया ने ही बोला, कटारिया ने ही उसको कंफर्म किया कि हाँ विशाल ने गलत वे में ही बोला था, तो इसलिए वो सब इंसिडेंट हुआ। तो कल के एपिसोड में तो ये हुआ कि एक तरफ पायल का जो बयान था वो सामने आया कि पायल ने किस वे से बोला, और उसके बाद विशाल के पेरेंट्स ने आके उसे क्लैरिफाई किया, वो विशाल के हक में बोले। आपको क्या लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट में कौन सही है, कौन गलत है? क्या अरमान का हाथ उठाना ठीक था, या पायल का ऐसे आके इन्फॉर्मेशन बताना ठीक था, या कृतिका ने जो विशाल के बारे में टिप्पणियाँ की हैं वो गलत था, ठीक था, या फिर जो विशाल के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे बेटे ने उस वे से नहीं कहा, हम उसके साथ हैं, तो क्या वो सही बात कर रहे हैं? तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और बने रहें दैनिक सवेरा टीवी के साथ।